हेलो एवरीवन, ऑस्ट्रारा सेलिब्रेशन जो सिंपल तरीक़े से मैंने हैज़ो किया है, मैं इस वीडियो में वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पीच कलर का क्लॉथ देन सिल्वर प्लेट रखे हैं, क्रिस्टल चिप्स लिए हैं मैंने, फर्स्ट एमेथिस लिया है, अंदर प्लेट में नहीं रखी हूँ, साइड में रखी हूँ एनर्जी इन्हांस करने के लिए। देन मैंने एक्वा मरीन क्रिस्टल चिप्स लिए हैं, देन रोज़ क्वार्ट्ज़ लिया है, देन मूनस्टोन क्रिस्टल चिप्स लिए हैं। यस, मैं साथ ही चार्ज भी कर रही थी। एंड उसके बाद क्लियर क्वार्ट्ज़ चिप्स लिए हैं। आपके पास अगर बिग क्रिस्टल्स हैं तो आप वो ले सकते हैं, या चिप्स हैं तो चिप्स भी रख सकते हैं, मैं वो बताना चाह रही थी। एंड यस, 3 बिग क्लियर क्वार्ट्ज के जो रॉक क्लियर क्वार्ट्ज थे मेरे पास, मैंने उससे एक पिरामिड की तरह बनाने की कोशिश की है। देन उसके बाद मैंने ऑस्टारा को जो भी कलर रिप्रेजेंट करते हैं कैंडल्स में, मैंने वो छोटे छोटे कैंडल्स मैंने ऐसे यूज़ किए हैं। अगर आपके पास एक कैंडल है तो आप एक ही कैंडल यूज़ करिए, या आपके पास बहुत सारे तो बहुत सारे यूज़ करिए आप। देन ये जो ऑरेंज कैंडल है, ये मैंने ख़ुद ऑस्टारा के लिए स्पेशली बनाया था, तो ये मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई पिलर कैंडल है तो आप वो भी रख सकते हैं। हर्ब्स में मैंने बस स्टार एनिस यूज़ किए हैं। मैं सिंपल तरीक़े से डेकोरेशन कर रही हूँ, आप चाहे तो एक बिग तरीक़े से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे करें। अगर आपको परचेस करना पसंद है तो ही परचेस करें, कंपल्सरी या मैंडेटरी कहीं नहीं है कोई चीज़ परचेस करने के लिए। कोई पेगन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हमें एक कोई चीज़ परचेस करने की मैंडेटरी नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे करें। मैं एकदम सिंपल तरीके से कैसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं मैं वो बताना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। देन हर्ब्स में स्टाइनिस के बाद मैंने लिया है लैवेंडर। लैवेंडर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश लीजिए, अगर ड्राइड मेरी तरह है तो आप ड्राइड स्प्रिंकल ऐसा कर सकते हैं। देन लैवेंडर के बाद मैंने ऐसा लिया है कैमोमाइल। अगर आपके पास कैमोमाइल भी फ्रेश है तो फ्रेश कैमोमाइल आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश लैवेंडर या फ्रेश फ्लावर्स का बुके भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टैरो कार्ड्स में स्प्रिंग टैरो कार्ड है वो एक ऐड ऑन कर सकते हैं, बनी रैबिट का स्टैचू है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, एक्स डेकोरेट करके भी रख सकते हैं, आप हॉट क्रॉस बन रख सकते हैं या सिंपल पैनकेक रख सकते हैं। आप ऐड ऑन में बहुत कुछ कर सकते हैं, या आप इसमें से कुछ स्किप करना चाह रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये चीज़ होना है, नहीं, आपके पास जो है उससे आप एक पैगन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट पेगन फेस्टिवल तक अगर आपको ये ऑर्डर रखने का है तो आप इसमें चेंजेस यही कर सकते हैं कि एक पिलर कैंडल पेस्टल कलर की आप नेक्स्ट सीजन तक डेली थोड़ी थोड़ी देर के लिए बर्न कर सकते हैं, आप वैसा भी बना सकते हैं। एंड आप एक स्प्रिंग गॉडेस का ईओस्ट्रे का एक स्टैचू भी रख सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, या फिर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे ये सेलिब्रेशन कर सकते हैं। इसका ये चीज़ों का मतलब नहीं है कि आपको बहुत एक्सट्रीम जाके ही सेलिब्रेट करना है, नहीं, आपके पास कोई भी अगर मिनिमल चीज़ है आप उससे भी अगर आप चाह रहे हैं पेगन फेस्टिवल सेलिब्रेट करना तो आप कर सकते हैं। यस, आई एम यूजिंग इंसेंस, लैवेंडर स्टिक है इंसेंस। आप सबको मैं होप करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। देन सी यू ऑल, बाय।